हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो कल हमने ना गमला बनाए थे, आज उसको हम लोग जा रहे मिट्टी के अंदर से निकालने के लिए। मुझे तो नहीं लगता है कि सूखा होगा, पर अगर सूख गया होगा ना तो लाके हम अपने फाउंटेन का काम स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो फिर साइड साइड खोद के छोड़ देंगे, हवा लगेगा तो सूख जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने फाउंटेन का काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने सुबह इसके अंदर पानी डाले थे, पर अभी तो लग रहा है टाइट टाइट सा हो गया है, दब नहीं रहा है। पर साइड साइड से कैसा होगा हमें तो पता नहीं है ना, तो अभी इसको खोद के निकालते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने गमले को बाहर निकाल करके सभी भाई उसको ट्राई कर रहे हैं, और इसको आज ले जा करके हम लोगों को फाउंटेन में लगा देना है। दोस्तों हम लोग जो फाउंटेन बनाए हैं ना, उसका तराई जो है बराबर करते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो तराई करेंगे ना तो मजबूती बनी रहेगी, और हम लोग जब इसको प्लास्टर करेंगे तो सीमेंट बालू अच्छे से पकड़ेगा। तो अभी सभी भाई पानी पूरा दे रहे हैं फाउंटेन के अंदर में। निकम आज ना ये वाला इस निकाल देते हैं, कैसा निकाल दे? निकाल देते सब अच्छा लगने लगेगा। मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे कि निकाल देते हैं, वो अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, तो मैं ट्राई करके उसके बाद इसको निकालते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भाई वो जो हम लोग सॉलिड ढाले हैं उसको, उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 3 दिन हो चुका है ना। हाँ ये भी बात सही है, मैं कहता हूँ वही ईटा निकाल करके ऊपर में हम लोग जोड़ देंगे।
कबूतर सारे हमारे पास आ गए फीड के लिए, तो मैं इस डिब्बे में फीड लेकर के आया हूँ, अभी इन लोगों को दे देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर हैं मुखी और सिराजी, आ जाओ ये लो ये लो, चलो चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। दोस्तों जब भी हम लोग इन लोगों के पास आते हैं ना, तो ये लोग हम लोगों के पास दौड़ते चले आते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा भी हम लोगों से डर नहीं लगता, सारे परिंदे जो है निकल निकल करके हमारे पास चले आते हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो 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 लो। हमें नहीं लगता कि ये वाले और एक ये और एक काला कलर का है वो नहीं दिख रहा, कहीं गया होगा। ओ अंडे देंगे कि नहीं देंगे उनका कोई गारंटी नहीं है, बहुत दिनों से वो लोग साथ में लेकिन अंडे देने का नाम नहीं लेते। लो खाओ, तो एक बार हम लोग अंदर जाके देख लेते हैं कोई सा बेबी अंडे से बाहर आया है कि नहीं। अंदर में हमारी डॉलर है निकल रही थी, फिर अंदर चली गई अंडे के पास, और इस अंडे में तो चींटी लग रही है, ये अंडा लग रहा है खराब हो गया, इसमें भी बच्चा तैयार हो गया लेकिन ये अंडा खराब हो गया, इन लोगों ने गर्मी के कारण खराब कर दिया। अरे भाई मैं अभी बोल ही रहा था कि हमारा काला कबूतर जो है अंडे नहीं देंगे, लेकिन ये भी अंडे दे दिए हैं, ये भी अंडे दे चुके हैं, लग रहा है बच्चे निकालेंगे। और ये इधर क्या कर रहा है भाई, निकलोगे नहीं बाहर? दोस्तों ये डॉलर का अकेला जो बच्चा था वही वाला है, ये बाहर नहीं निकल रहा, इसको निकालेंगे बाद में थोड़ा और देख लेते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है इन लोगों ने अंडे दे दिए, मेरे को नहीं लग रहा था कि अंडे देंगे और बच्चे निकालेंगे। लक्का का भी अंडा ठीक ही ठाक है, उसमें भी बच्चा हो गया है, लेकिन वो अंडे कब फोड़ेगी ये हमें नहीं मालूम। और बाकी मैं सभी में ठीक है ना, इन लोगों में कुछ भी नहीं है। बाकी इधर देखते हैं मुखी ने अंडे दिए हैं कि नहीं, तो दोस्तों अभी मुखी ने कहीं भी अंडे नहीं दिए हैं, तो सारे इधर घूम घूम के अपने फीड खा रहे हैं। मैं थोड़ा और इन लोगों को छीट देता हूँ, लोग खाओ खाओ खाओ। फाउंटेन का एक साइड का दीवार हम लोग उठा दिए हैं, और रात होने की वजह से फाउंटेन का काम अभी बंद कर दिए हैं, फिर कल करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।